प्रदेश के हाथरस में हुई बेटी के साथ घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें कि कुछ दरिंदों द्वारा एक बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसके बाद बेटी ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते तमाम संगठन लगातार प्रदर्शन कर बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। संगठनों की पुरजोर मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हरदोई में भी कांग्रेसी जिला सचिव मंजूलता मित्रा की अगुवाई में एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। आपको बता दें कि हरदोई की कांग्रेस जिला सचिव मंजूलता मित्रा की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। बताते चले कि इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। हर कोई दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग को उठा रहा है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। आज देश की महिलाओं पे अत्याचार इतना बढ़ गया है जिसका कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज जब हमारे माननीय मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। बेटियों को खत्म किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और देश जो है बिल्कुल भयभीत हो रहा है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमारी सरकार को, अगर वो हमारे देश में हमारी बेटियों को, बहु बेटियों का बचा नहीं सकती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.